Hey guys, subscribe to my channel and press the bell icon. Never missing any latest Dunya update. Hi guys, I'm welcome back and assalamu alaikum and I'm review for Galaxy Tab A. Guys, आज हम review करने जा रहे हैं Galaxy Tab A का. चले दोस्तों शुरू करते हैं बिना time waste किए. गाइज अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है. अगर हम इसके फ्रंट कैम की बात करें तो वो हमें 5 MP का इसका फ्रंट कैम मिलता है विथ शाइनी डिस्प्ले. अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है. इसका जो बैक कैम है वो है 8 MP विथ सैमसंग लोगो विदाउट LED फ्लैश लाइट. गाइज अगर हम इसके नीचे की बात करें तो इसमें हमें एक माइक्रोफोन मिल जाता है. इसका माइक्रोफोन नीचे है. अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड राइट बार की बात करें तो इसके अंदर हमें सिम कार्ड ऑप्शन एंड माइक्रोसॉफ्ट SD कार्ड ऑप्शन मिल जाता है. अगर हम इसकी राइट साइड की बात करें तो इसके अंदर हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड शट डाउन बटन का ऑप्शन मिल जाता है. अगर हम इसके टच की बात करें तो इसका टच काफ़ी सॉफ्ट है एज सेम कम्पेयर टू iOS. बिकॉज गाइज अगर हम इसको नीचे अगर हम इसका कंट्रोल बार ओपन करें तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है. गाइज आज मैं वीडियो खुद शूट कर रहा हूँ इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है शूट करने में. गाइज थोड़ी सी अगर कुछ वीडियो ऊपर नीचे होती है तो उसके लिए सॉरी. गाइज मैं इसे नीचे रख के आपको इसका कुछ इंटरफेसेस वगैरह दिखा रहा हूँ. गाइज अगर हम इसके ऐप्स को ओपन करें तो इसके ऐप्स ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है. अगर हम इसको नीचे करें तो अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग को ओपन करने को सॉरी गाइस अगर हम इसकी सेटिंग ओपन करें तो सेटिंग ओपन करने के लिए हमें इसकी इधर जाके हम इसकी सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं. सेटिंग ओपन करने के बाद हमें इसके कुछ इस तरह से मेन्यू बार कंट्रोल पैनल्स वगैरह मिलते हैं. इधर आप देख लें अगर हम वाईफाई को ऑन करें तो हमें साइड में इसका वाईफाई ऑप्शन मिल जाता है. डिस्प्ले ऑन करें तो उसका भी ऐसे ही फंक्शन है. अगर हम इसकी वेरिएंट की बात करें तो हमें एंड्रॉयड वेरिएंट इसका सॉफ्टवेयर अपडेट ओपन करने के बाद इसके एंड्रॉयड वेरिएंट में हमें कुछ इस तरह के इंटरफेसेस मिल जाते हैं ऑल ऑफ बुलेट वर्जन वगैरह. इसका हमें मॉडल नंबर भी देखने को यहीं पर ही मिल जाता है. अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर इन्फो में अगर जाऊँ तो अगर मैं इसका सॉफ्टवेयर देखना चाहूँ तो हमें सॉफ्टवेयर इन्फो में जाना पड़ेगा. इसका आप देख रहे हैं एंड्रॉयड वर्जन 5.11 है बेस पॉन्ड और इसके कर्नल वर्जन वगैरह आपको सब यहीं पे शो हो जाते हैं. गाइज अगर आपको ये टैब अच्छा लग रहा है तो आप इसे मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं. मैं रिकमेंड करूँगा ये टैब गलेक्सी टैब एस से काफ़ी अच्छा है लेकिन इसके फंक्शन बहुत अच्छे हैं गलेक्सी टैब एस से. वो क्योंकि काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन है. अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज इसके ऊपर मैक्सिमम 30 लाइक्स तो बनते हैं. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.